हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने भाई के चैनल लाइनेक्स किंग्स में। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं कि हम कल ही लाइनेक्स के पासवर्ड को कैसे रीसेट करेंगे या फिर उसको कैसे बाईपास कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम हमारा वीएमवेयर ओपन करते हैं। मैं आपको ये वर्चुअल मशीन पे बताऊंगा, लेकिन आप अगर आपका पीसी ड्यूअल बूट है या फिर आपने काली लाइनेक्स सीधा इंस्टॉल कर रखा है अपने पीसी में, तो आप सेम प्रोसेस को यूज करके आप अपनी काली लाइनेक्स के पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैंने मेरी काली को ओपन करता हूँ यहाँ से। हाँ, तो आप देख सकते हैं हमारी काली मशीन यहाँ पे पासवर्ड मांग रहे हैं। मैं यहाँ पे डालता हूँ रूट और मैं यहाँ पे आपको पासवर्ड दिखा देता हूँ। जस्ट मैं यहाँ पे और कुछ पासवर्ड डाल दूंगा तो ये नहीं लेगी। इसके पासवर्ड मुझे याद है, मैं और लोगों की तरह नहीं हूँ कि ऐसे बोलूंगा कि मुझे पासवर्ड याद नहीं है, मैं भूल गया हूँ, मुझे पासवर्ड याद है। आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे मैं कुछ भी डालता हूँ तो यहाँ पे पासवर्ड नहीं लेगी। और मेरे इसके रियल पासवर्ड है root123। तो आप देख सकते हैं, ये डालते ही हम सक्सेसफुली लॉगिन कर जाएंगे और हमारे पास ऐसा कुछ ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, अपन लॉगिन हो चुका है सक्सेसफुली, हमारे पास अपनी काली खुल चुकी है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हम इसके पासवर्ड कैसे क्रैक करें अगर आप भूल गए हैं तो। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है, इसका गलत यूज़ ना लें। तो यहाँ से मैं इसको बंद करके दोबारा चालू करता हूँ। मैं यहाँ से वीएमवेयर को ओपन करूँगा तो हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। हम यहाँ पे एडवांस ऑप्शन फॉर काली लाइनेक्स है, इस पे आके ई प्रेस कर देंगे। ई प्रेस करने के बाद हमें कुछ ऐसा दिखने वाला है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक लाइनेक्स करके लाइन मिलेगी आपको, तो हमें यहाँ पे लाइनेक्स ढूंढना था, तो मैंने ढूंढ लिया यहाँ पे लाइनेक्स। जैसे कि ऊपर से नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पे लाइन तो बहुत से मिल जाएंगे आपको लाइनेक्स करके। तो अपन फर्स्ट वाली लाइन ले लेंगे, तो अपन को ये मिल गया है यहाँ पे लाइनेक्स। तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आर है ना, इसको आर डब्ल्यू कर देंगे अपन। यहाँ पे एक तो ये चेंज करेंगे और फिर यहाँ पे लिखा हुआ ना, इसको अपन हटाएंगे और यहाँ पे अपन एक लाइन डाल देंगे छोटी सी। हम यहाँ पे डालेंगे इनिट इज इक्वल टू स्लैश बिन स्लैश बैश, सॉरी बैश, ये डाल देंगे और यहाँ पे कंट्रोल और एक्स दबा देंगे या फिर F10 भी दबा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल और एक्स प्रेस कर दूंगा। यहाँ पे अपने को ऊपर वाले ऑप्शन पे ई प्रेस करना है, तो मैं यहाँ पे ई प्रेस कर देता हूँ। तो हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, तो हम यहाँ पे भी वो लाइनेक्स वाला लाइन देख लेंगे उसमें। हाँ, ये सब कुछ ओके है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल और एक्स प्रेस कर दूंगा। ये पासवर्ड को हम गर्व की मदद से क्रैक कर रहे हैं। अगर हमने गर्व पे सिक्योरिटी लगा रखी होती ना, तो हम इस पासवर्ड को क्रैक नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो पहले अगर हम क्रैक करते ना, तो वो पहले गर्व के पासवर्ड पूछता, फिर अपने को पासवर्ड क्रैक करने देता। तो इसलिए गर्व पे सिक्योरिटी लगाना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा SU पास WD रूट, तो ये कमांड नहीं दे रहा। हम यहाँ पे सूडो ट्राई करेंगे, सूडो पास WD रूट। तो यहाँ पे हमसे न्यू पासवर्ड मांग रहा है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6, एंटर प्रेस कर दूंगा 1 2 3 4 5 6। ओके, यहाँ पे हो गया। अब मैं इसको रिस्टार्ट कर लूंगा सिस्टम को। तो अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे exec स्पेस स्लैश एस बिन स्लैश इनिट और एंटर प्रेस कर देंगे। तो हम यहाँ पे रूट डालते हैं, जैसे कि पहले मेरा पासवर्ड था यहाँ पे root123, तो मैं वो पासवर्ड ट्राई करता हूँ पहले। मैं आपको दिखा देता हूँ, शो कर देता हूँ यहाँ पे 123।
वो पासवर्ड नहीं ले रहा। अब मैंने न्यू पासवर्ड क्या डाले थे, 1 2 3 4 5 6, तो मैं यहाँ पे वो ट्राई करता हूँ, 1 2 3 4 5 6, और एंटर प्रेस करता हूँ। तो आप देख सकते हैं हम सक्सेसफुली लॉगिन कर सकते हैं इन पासवर्ड की मदद से। तो इसके पासवर्ड चेंज हो चुके हैं, तो हम ऐसे खाली लिनक्स के पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।